सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग आए हैं गो कार्टिंग करने के लिए, और हम आए हैं आज परेल, और परेल में यूटोपिया सिटी करके जगह है, वहाँ पे ये है गो कार्टिंग, स्मैश गो कार्टिंग। संडे का दिन है आज, और अभी बज रहे हैं दोपहर के तीन बज रहे हैं अभी, और हमें स्लॉट मिला है 350 का। सो सचिन, क्या प्राइजेज है यहाँ के? यहाँ पे अगर आप न्यू मेंबर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे कार्ड मिलता है आपको गेम ऑन स्मैश की तरफ से। सो अगर आपको गो कार्टिंग करनी है, हम लोग दो जन थे तो हम लोग ने ये कार्ड परचेस किया। इसकी अमाउंट थी 1700, और इसमें अमाउंट आपको मिलेगी वो है 1495, ऐसे कुछ तो अमाउंट आती है। तो यहाँ पे जो रिडीम करते हैं हम लोग अमाउंट, तो गो कार्टिंग के लिए आपको अमाउंट लगेगी 700 पर पर्सन, तो वो होता है टोटल मिला के 1400। सो अभी तीन बज रहे और 350 का हमारा जो है स्लॉट है। सो हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं, तीन बज गए तो भूख भी लगी है। सो अभी जाएंगे और हम लोग जब कार्टिंग करेंगे गो कार्टिंग, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि शूट कर सके अंदर। हम लोग ने GoPro भी लाया है अभी, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी जाते हैं, पहले तो खाते और फिर मिलते हैं आगे। ऑल्सो यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत है, मतलब अगर आप जल्दी आते हो, हम तो वीकेंड पे आए संडे को, इसलिए वेटिंग पीरियड काफ़ी है। वो हम लोग ने 2 बजे बुकिंग की थी, बट हम लोग को अभी स्लॉट मिला है अराउंड 350 का। सो अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए। जुगल ने मंगाया डोसा, मैंने मंगाया इडली मेंदू वड़ा, छास और लस्सी। तो खाते अभी जल्दी से और फिर निकलते। हम लोग का 350 का स्लॉट है, अभी बज रहे हैं 3:15, तो जल्दी से खाते और निकलते हैं फिर वापस स्मैश की तरफ। हम लोग थोड़ा बाहर आए 5 मिनट वॉक करके, और यहाँ पे पास में एक होटल था तो वहाँ पे खा रहे। सो सी यू देन, बाय बाय। देख लो भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मेरा 24 है, ये देख पाए तू इधर 24। चलो जुगल। यो ब्रो। सो जुगल रेडी, अबे चला रहा।
गया, 8 मिनट हो गए। ये तो पूरा ये कर दिया रे, मेरे एक ही बार किया। अभी गो कार्टिंग हो गया हमारा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, यानी कि बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। बोलते हैं पैसा वसूल, एकदम। सचिन तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? सच में बहुत सही था। मतलब पहले तो हम लोग ने एक फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उसने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, सेफ्टी हम लोग के नेक में एक नेक गार्ड था और हेलमेट। उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शंस बताया कि ब्लॉकिंग अलाउड नहीं है, मतलब 2 से 3 बार ब्लॉकिंग वगैरह करने पे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट वार्निंग देते, फर्स्ट टाइम अगर किया जानबूझ के तो वार्निंग है और उसके बाद देते हैं, और अगर 2-3 बार से ज़्यादा हुआ तो फिर वो लोग डिस्क्वालीफाई। तो हम लोग ने तो लास्ट 8 मिनट्स तक प्रॉपर हम लोग ने चलाया और बिना टोके रिवर्स तो यूज ही नहीं किया, और मतलब बहुत मजा आया। स्टीयरिंग एकदम पावरफुल था, मतलब आपको रियल वो एक्सपीरियंस आता कि आप कुछ तो एकदम ऐसे ड्राइव कर रहे, कार्टिंग एकदम ड्राइव कर रहे हो। बहुत सही एक्सपीरियंस, बहुत सही एक्सपीरियंस था। करना चाहिए, आप भी आओ और गो कार्टिंग करो, एक नंबर था, मजा आ गया। कभी मौका मिले तो हम लोग आएंगे, दोस्तों को लेके आएंगे वापस। और आज का मतलब सच में बताऊँ तो आज का हम लोग का प्लान था अजमेर जाने का, अजमेर इंडिया कार्टिंग करके हम लोग ने सुना था, वहाँ पे हम लोग गए थे वडाला में, बट वहाँ पे आज कुछ TVS का इवेंट था तो उस वजह से हम लोग ने वहाँ पे तो कार्टिंग हो नहीं रही थी। फिर हम लोग ने सर्च किया गूगल पे तो यहाँ पे कार्टिंग अवेलेबल थी स्मैश की तरफ से, तो हम लोग यहाँ पे आए और ये एक्सपीरियंस किया इसको। और ये बेस्ट लोअर परेल में आता है ये गो कार्टिंग, उधर से कुछ 20 मिनट्स का डिस्टेंस है, बट बहुत सही है, बहुत सही है, एक नंबर, मजा आ गया। अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी जा रहे घर पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।